जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक हमारा यूनिट बी केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली यूनिट को कवर करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन के नियम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मास। इससे पहले की वीडियो तक हम अभी तक यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर इसको कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के साथ। देखो मेरे भाई, जैसे कि हम जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि पदार्थ के संगठन यानी कि कंपोजिशन, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, गुणधर्म रूपांतरण प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवं उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस यूजेस, इन सब का जो अध्ययन होता है वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। जनरल परिचय, रसायन विज्ञान को अणु तथा परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। पिछले उसमें विज्ञानों का विज्ञान भी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, विज्ञानों का विज्ञान भी रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान को अणु और परमाणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जो साइंस है वो हमारी केमिस्ट्री है। इसके बाद आधुनिक भारत में रसायन विज्ञान के पिता जो हैं वो आचार्य प्रफुल्ल चंद हैं। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद। जबकि रसायन विज्ञान के पिता किन्हें बोला जाता है? लेवाजियर को। ठीक, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पुस्तक, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, यानी कि हिंदू केमिस्ट्री से मतलब जो भारत के विद्वान हुए केमिस्ट्री के क्षेत्र में, आचार्य प्रफुल्ल चंद ने उनका इस बुक में उल्लेख किया है। ठीक है, यहाँ तक। यानी कि हम कह सकते हैं वर्तमान युग में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ रसायन का यूज ना होता हो। हमारे खाने पीने की सामग्री से लेकर हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज होने वाले सब्सटेंसेस, सब में केमिकल का यूज होता है, रसायन का यूज हो रखा है, केमिस्ट्री का यूज है। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रसायन संयोग के नियम। ये 11th क्लास का टॉपिक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी कोशिश करेंगे, समझ के चलेंगे। पहला नियम आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के खोजकर्ता यानी कि इस नियम को जिसने दिया वो ए लेवाजिए हैं। ए लेवाजिए 1789 में इनके द्वारा यह नियम दिया गया। नियम क्या कहता है? जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। यह नियम केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक, जो एटम्स भाग लेते हैं रिएक्शन में, वह प्रोडक्ट जो उत्पाद बनकर आता है, की क्वांटिटीज यानी कि मात्राओं के बारे में बताता है। यानी कि आपने इधर इस एरो से इधर रिएक्टेंट लिखा लेफ्ट साइड, उसमें जिसने भाग दिया उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आया उसमें एलिमेंट्स जो है उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो उन दोनों का जो है क्वांटिटीज इक्वल आती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। जनरली आपने सुना होगा द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस नियम की पुष्टि हेतु वैज्ञानिक लैडोल्ट ने एक प्रयोग किया जिसे हम एच ट्यूब प्रयोग कहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक साइड तो NaCl और एक साइड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भरा और इन दोनों की रिएक्शन कराई। इसमें देखा कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, और एक साइड NO3 का एक्वस सॉल्यूशन। देखो, AQ का मतलब होता है एक्वस यानी कि जलीय विलयन, और इस तीर का मतलब है कि प्रेसिपिटेट, इस बीकर के नीचे जो जम जाता है वो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, इस रिएक्शन में उन्होंने देखा कि जो अभिकारक थे यानी कि रिएक्टेंट थे उनका जो क्वांटिटी थी और जो प्रोडक्ट था उनकी जो क्वांटिटी थी वो इक्वल थी। इसी के द्वारा उन्होंने पुष्टि करी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वेरीफाई होता है। कौन सा प्रयोग था? एच ट्यूब प्रयोग। वैज्ञानिक कौन से थे? लैडोल्ट। ठीक, यहाँ तक कवर हो जाएगा। सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, इस नियम के खोजकर्ता यानी कि यह नियम किसने दिया?
तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। जोसेफ प्रॉस्ट कब दिया? 1799 में। देखो 1789 में लेवाजियर, 1799 में प्रॉस्ट। ठीक, इस नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है, यह नियम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों पर आधारित है, यानी कि कोई कंपाउंड हो जैसे कि H2O कंपाउंड होता है पूरा का पूरा, उसमें उपस्थित तत्व, ये भी तत्व इसमें एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट से बना है, तो इनके द्रव्यमानों पर, इनका जो मास होगा उस पर डिपेंड करता है कौन, स्थिर अनुपात का नियम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नियम क्या कहता है, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे शुद्ध यौगिक हो गया तो इसमें जो अनुपात होगा ना इनका एलिमेंट्स का, वो क्या होगा, स्थिर होगा। चाहे यौगिक किसी भी विधि यानी कि किसी भी मेथड या सोर्स स्रोत से प्राप्त किया गया हो, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उस कंडीशन में हमेशा जो एलिमेंट्स का द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इसलिए इसको लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि H2O यानी कि जल को आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, कुएं से, तालाब से, नदियों से, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं किस में, जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा वही रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन एक अनुपात में होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ आठ में होगी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, परमाणु एक, और ऑक्सीजन का आठ, तो ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जल और CO2 देता है, तो इनमें भी सब में रेशो फिक्स ही रहेगा। यदि यहाँ पर जल के दो अणु बन के आ रहे हैं ना, तो इधर भी दो ही हमको प्रोपोर्शनल में दिखाई देंगे या वो रिएक्टेंट में भाग लेते हुए दिखाई देंगे अभिक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड लॉ की। देखो अभी तक दो नियम पढ़े, पहले में द्रव्यमान इक्वल होगा यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के, ठीक, और दूसरे वाले में रेशो फिक्स होगा, यानी कि H2O लिया है तो जल कहीं से भी लिया जाए उसमें रेशो फिक्स आएगा, तो ये स्थिर अनुपात का नियम था। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं हम, यानी कि गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं इसको। मल्टीपल का मतलब गुणित, गुणा करा हुआ। यह नियम किसने दिया? वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया। किसने? वैज्ञानिक डाल्टन ने। इसके नियम के अनुसार क्या है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर, यानी कि दो एलिमेंट HO और ये ले लो कार्बन ऑक्सीजन ले लो, दो एलिमेंट मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। तब एक तत्व के द्रव्यमान में सरल अनुपात होता है। देखो इस कोमा का मतलब यहाँ से पढ़ना होता है, फिर दोबारा कोमा लगाता है। इसका मतलब जो दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। फिर से समझेंगे, दो एलिमेंट्स लिए, दो तत्व लिए, आपस में मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, अदर एलिमेंट्स से संयोग करते हैं, उनका अनुपात एक सरल होता है, सिंपल रेशो में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिक। तो हम यौगिक एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। तो हमने कंपाउंड लिख लिया, हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, एक बना यौगिक CO, एक बना CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम, ये तो आपको पता है कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक। जैसे हम CO2 में आए, इसमें भी कार्बन एक है तो 12 होगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन पे आए इसमें कितना हो जाता है, 32, यानी कि ये मल्टीपल में आ रहा है 16 दूनी 32, जबकि ये फिक्स रेशो में चल रहा है, यानी कि ऐसे इसका मल्टीपल रेशो चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गुणित अनुपात का नियम कौन सा एग्जाम्पल शो करता है, लास्ट में क्वेश्चन भी होगा, फिर आप उसका आंसर भी देंगे, ठीक। नेक्स्ट है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक NO हो सकता है, NO2, Na2O3, Na2O4, Na2O5, ये इसके वेरियस कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन 14 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। देखो नाइट्रोजन का ध्यान कैसे रखेंगे, नाइट्रोजन ऐसे 7 बनता है, तो इसी में इसने नाइट्रोजन को कवर कर रखा है। देखो यहाँ से 7 बनता हुआ, तो परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, तो 2 गुना हो जाता है उसका लगभग में, ठीक है, कितना आता है 14, तो 14 तो हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितना होता है, ओ, एक ओ और लगा दो, तो परमाणु क्रमांक 8, 2 गुना कर देंगे 16, ठीक।
अब इसमें नाइट्रोजन 14, इसमें ऑक्सीजन कितने 32, इसमें नाइट्रोजन 2 यानी कि 14 दूनी 28, 3 है तो 48 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है तो 28, 4 है तो 16 चौका 64 हो जाएगा, N2 28 और 5 80 हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, आपको एक गुणित गुणा में दिख रहा होगा, देखो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, तो ये क्या होता है, जब यौगिक दिए होंगे तो उनका मल्टीपल में रेशो आएगा निकल के, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। ये आपको एग्जाम्पल छाटना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल, यानी कि तुल्य अनुपात का नियम बोलते हैं, या इसको व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। यह नियम किसने दिया, रिचटर ने दिया, कब दिया, 1791 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक नाम और सन भी पूछा जा सकता है आपसे, तो नियम भी ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल। इस नियम के अनुसार क्या कंडीशन है, जब दो भिन्न तत्व यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हों, यानी कि अलग क्रिया करें, तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान आता है, यानी कि जो रेशो आएगा ना उनके मास में, तो वह तो समान आएगा या उसका कोई पूर्ण गुणज होगा, मल्टीपल आया होगा। देखो पिछला गुणित अनुपात का था, कंटिन्यू गुणित अनुपात आएगा, लेकिन ये क्या है, या तो अनुपात समान होगा या मल्टीपल होगा, दो के केस में होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया फिर से, कार्बन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व हाइड्रोजन से अलग अलग संयोग करके CH4 और H2O बनाते हैं, और स्वयं कर करके स्वयं क्रिया करेंगे जब, यानी कि आपस में रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनाते हैं। कैसे, देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो CH4, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो H2O, और जब दोनों आपस में करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन तो CO2 बनेगा। जब इनका खुद का अनुपात था वो क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, तो 4 से दोनों हमेशा इस नंबर को उससे काटा जाता है जो दोनों को डिवाइड करता हो। देखो 4 के बटे में 12 भी आता है 16 भी, 4 या 12 4 चौक 16, तो 3:4 आया। लेकिन जब रिएक्शन की इन दोनों ने आपस में, ये तो अलग अलग रेशो हो गया, रिएक्शन की तो CO2 बना, यानी कि कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो जाएगा, तो रेशो कितना आया 3:8। या तो ये रेशो 3:4 आता है बिल्कुल सेम, या रेशो कितना आएगा मल्टीपल में, यानी कि गुणज में, देखो 3 का एक गुणज, 4 का 2 का गुणज, तो मल्टीपल गुणज हो रहा है। तो ये भी किस नियम को फॉलो कर रहा है, आपके जो तुल्य अनुपात का नियम है या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल लॉ बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है, ये ध्यान रहेगा चौथा। उसके बाद पांचवा नियम ध्यान रख सकते हैं आप, गैलुसेक का नियम, ये गैस से संबंधित है, गैस के सारे नियम लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहाँ से पूरे डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम संबंधी क्या नियम है, टेम्परेचर और प्रेशर समान होना चाहिए, जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, भाई रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनेगा, परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में रहते हैं, यानी कि एक कंप्लीट नंबर के रेशो में रहते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं रहते कि 1/2, 3/4, इसे ही आयतन के निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि आयतन के निश्चित अनुपात का, फिक्स प्रोपोर्शनल या फिक्स रेशो का नियम किसे कहते हैं, तो क्या गैलुसेक का गैसीय आयतन नियम है। जैसे एग्जांपल H2Cl2, तो 2HCl बनेगा, देख रहे होंगे आप यहाँ पर H2 का एक आयतन, Cl2 का एक आयतन, ठीक है, तो दो आयतन किसके बनेंगे, HCl के, यानी कि आप यदि 50 ml ले लें, 50 ml ले लें तो ओवरऑल कितना बनेगा 100 ml, तो ये क्या है, गैलुसेक का गैस का आयतन संबंधी नियम है, ठीक है। अब डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है डाल्टन ने दी होगी। रासायनिक संयोग के नियमों का अब तक पढ़ते आ रहे हैं, रासायनिक संयोग के नियम यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, लेकिन उनका सैद्धांतिक प्रमाण जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया, ठीक है ना, रासायनिक संयोग के नियमों का जो सैद्धांतिक प्रमाण है वो जॉन डाल्टन द्वारा 1808 ईस्वी में दिया गया। इस सिद्धांत के यानी कि इस थ्योरी के जो प्रमुख पॉइंट है वो क्या है, देखो द्रव यानी कि मैटर, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है, फोन हो गया हाथ में, कोई भी पेन कॉपी जो भी है, वो सब क्या मैटर है, बहुत छोटे छोटे अविभाज्य यानी कि जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता कणों से मिलकर बना है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, परमाणु यानी कि एटम कहा, किसने, डाल्टन ने। फिर उन्होंने क्या कहा, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, यानी कि यदि आप मोबाइल ही ले रहे हैं, मोबाइल का एक पार्टिकल ले रहे हैं, उसका छोटा सा पार्टिकल, तो उसने कहा कि सारे के सारे समान एटम होंगे, इक्वल एटम होंगे, ठीक। दूसरी बात,
एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु यानी कि एक तत्व ये हो गया, दूसरा तत्व हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। लेकिन आगे चल के ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी कि लिमिटेशन में आ जाएगी कुछ। जैसे एक तो बात ये कही इन्होंने डायरेक्ट कहा कि एलिमेंट्स डायरेक्ट यौगिक बनाएंगे जुड़कर, ठीक। चौथा पॉइंट, किसी परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन यानी कि केमिकल रिएक्शन कराएं या फिजिकल चेंजेस कराएं के द्वारा न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यानी कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने यह तथ्य दिया। लिमिटेशन क्या कहती है? लिमिटेशन ये है कि इसके द्वारा परमाणु और अणु में कोई अंतर नहीं किया गया, यानी कि नहीं बताया गया। इन्होंने क्या कहा कि यदि एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो सीधा यौगिक बन जाएगा, तो इन्होंने परमाणु और मॉलिक्यूल का कोई जिक्र नहीं किया। यानी कि परमाणु की डेफिनेशन तो दी लेकिन अणु और परमाणु में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ठीक। गैलुसेक के नियम को नहीं समझा पाया, गैलुसेक का गैस का आयतन नियम है, उसको भी इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तीसरा, परमाणु और अणु को बांधे रखने वाले बल की प्रकृति क्या है? यानी कि आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी से आपस वाले एटम से जुड़े होते हैं। जिन पदार्थों में तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस बनते हैं, भाई ठोस में ज़्यादा बंद होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा, तो जो बॉन्ड बने हुए हैं उनकी व्याख्या भी इस नियम के द्वारा नहीं की जा सकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट टू लेके, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिविजन कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ मेरे भाई, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ने के लिए पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले लेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे।